हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल छोटी काशी हिमाचल वासी। गाइस, आज सीन कुछ ऐसा है कि मेरे बास्केटबॉल में हो गया है पंचर, तो आज हम देखेंगे कि इसको पंचर कैसे लगाएं, वो भी एक इंजेक्शन और फेविकोल से। सर, तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब पंचर हो चुका है और इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं बची है और ये बाउंस करने के बिल्कुल भी उसमें नहीं बचा है। ये देखो, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं बची है। तो गाइस, हम चेक कर लेते हैं कि इसमें पंचर है भी या नहीं। तो चलो इसको चेक करते हैं। हमारे पास पानी भी है और पानी की बाल्टी है, भरी हुई है, तो इसके अंदर हम डालेंगे इसको, देखते हैं पंचर है। चलो, तो मैं अपनी शर्ट ऊपर कर देता हूँ, थोड़ी स्वेटर और घड़ी भी ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरा नुकसान ना हो जाए। खोल ही देता हूँ, रुक जाओ, खोल ही। चलो, ये हो गया और अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें पंचर है भी या नहीं, आप सबको दिखाएंगे। चलो तो देखते हैं, ये देखिए बबल्स तो आ रहे हैं गाइस। चलो देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं। ये देखो, ये मिल गया हमें, ये रहे बबल्स। देखो इस स्पॉट पे बबल्स आ रहे हैं, तो देख लो, आप सबको दिख भी गया प्रूफ कि इसमें है पंचर। तो गाइस देख सकते हो, ये है यहाँ पे पंचर वाला मार्क। तो गाइस, हमें इस बॉल में पंचर लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक पंप, जो कि ये रहा पंप है एक हमारे पास, और एक हमें चाहिए बॉल में हवा भरने वाली पेन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय मेरे हाथ में, एक ये चाहिए, और एक हमें चाहिए फेविकोल जो मेरे पास है इस टाइम। आप कोई भी फेविकोल ले सकते हो, ये तो है डॉल्फिन का वाइट ग्लू है, इसको भी ले सकते हो आप। और एक इंजेक्शन वाली सिरिंज चाहिए हमें, जो ये रही, जिसके अंदर निडल होनी चाहिए, जो ये देखो निडल होनी चाहिए, और बस यही चाहिए। और अब हम लगाते हैं इसमें पंचर, देखेंगे आप। तो सबसे पहले हमें देखना है जहाँ से हम बॉल में हवा भरते हैं, उस पॉइंट को देखना है हमें, कहाँ पे वो पॉइंट है, और वो पॉइंट ये रहा देखो इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हमें जो निडल का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला जिसे हम पंप भी बोलते हैं, तो इसको हमें निकाल लेना है बाहर, और इसके अंदर हमें ग्लू ऐड करना है। अब देखो, ये निकाल दिया हमने इसको बाहर, और अब हम इसमें ग्लू भर देंगे। देखिए, अब हम इसको इसमें ग्लू भर लेंगे। तो चलो, अब हम इसको वापस से पैक कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आए। तो ये देखिए, हमने ग्लू को ऐड कर लिया है निडल में। तो अब हम इसके साथ बॉल में पंचर लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ग्लू को पूरी तरह से इसमें भर लिया है और अब हम इसको बॉल में पंचर लगाएंगे इसके साथ। तो अब हम इसको इंजेक्शन को रख लेते हैं साइड। तो अब हम ये जो बास्केटबॉल में हवा भरने वाली पिन है, इसको लगा देंगे हम ये बास्केटबॉल के पॉइंट पे, जहाँ से हम इसमें हवा भरते हैं। इस तरह आपको ऐड कर देनी है पिन, जोर से नीचे को प्रेस करना जितना भी जाएगा अंदर। तो देख लीजिए, ये लगा दी मैंने आपके सामने ये पिन बास्केटबॉल में। तो अब हमें इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने ये लगाया हवा भरने वाली पिन, तो इसमें हमें ऐड कर लेना है इंजेक्शन को। तो चलो देखिए कैसे हम इसको ऐड करेंगे। अब ये रहा स्पॉट और अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे पिन को। ये देख लीजिए, हमने पिन को इस हवा भरने वाले पॉइंट में ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें ग्लू की हेल्प से इस पंचर लगाने जा रहे हैं। तो चलो, अब हम पंप को इन कर देते हैं, सारा जो मतलब ग्लू है इसको पंप इन कर देते हैं इंजेक्शन के साथ आपके सामने। इससे हवा निकाल दी है और इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। तो चलो, अब हम दिखाते हैं इसमें हवा भर के और इसमें पंचर लगा के, जो कि पंप की मदद से अब हम करेंगे। तो देखिए, वो रहा वो स्पॉट और हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल पंचर प्रॉपर लग चुका है। दिखा दिया आपको कि हमने पंचर लगा दिया। तो अब हम देखेंगे, सुबह तक वेट करेंगे कि इसमें हवा टिकती है नहीं, हमारी पंचर वाली ट्रिक काम करती है नहीं, तो हम सुबह दिखाएंगे आपको ये। तो इसी के साथ हमारा आज का ये ब्लॉग कंप्लीट होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का नीचे लाल वाला बटन दबा दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दिखेगी जो ऑल को सिलेक्ट कर दें, और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपको तरह तरह के हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।